तो दोस्तों, जिस स्त्री का हम लोग इंतजार कर रहे थे और बोल रहे थे कि ओ स्त्री कल आना कल आना, वो फाइनली आ गया है। और इस मूवी के आने के बाद आपका इंतजार भी खत्म हो गया है बॉस, क्योंकि स्त्री 2 के नाम से एक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर मूवी आ गया है। और कैरेक्टर के बारे में क्या बताना, आपको तो मालूम है ही, राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी। और भाई साहब, स्त्री 2 15 अगस्त को रिलीज किया गया, मगर इसके साथ कई सारी मूवियां भी रिलीज हुआ है, जैसे वेदा, खेल खेल और डबल स्मार्ट। मगर ऐसा लगता है कि अभी तक स्त्री 2 को कोई पकड़ तो नहीं पा रहा है बॉस, क्योंकि मूवी है कमाल का, धमाल का। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो बॉस, मूवी में कोई कैरेक्टर चेंज नहीं है, वही एक्टर, वही कैरेक्टर और वही डायरेक्टर, बस बीच में थोड़ा तमन्ना भाटिया आकर सबकी तमन्ना को पूरा किया है। तो स्टोरी ऐसे कैरेक्टर का है जिसके कारण पूरे चंदेरी में दहशत बना है, क्योंकि स्त्री के जाने के बाद अब चंदेरी में सरकटा आ गया है। और स्त्री जहां पुरुषों को उठाया करती थी, वहीं कटे के निशाने पर चंदेरी की लड़कियां हैं। और चंदेरी में कोई दिक्कत आए और बिक्की एंड कंपनी न हो, ऐसा हो सकता है क्या, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी शामिल है। अब सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनके दोस्तों की है, जिसमें वो मिर्जापुर वाला कंपाउंडर भी शामिल है। अब सरकटे का सामना कैसे होता है और श्रद्धा कपूर बिक्की एंड कंपनी की मदद कैसे करती है, ये सब आपको इस मूवी को देखकर मालूम पड़ेगा। बाकी इसके अलावा मूवी में कॉमेडी और हॉरर का तड़का लगाया है। फर्स्ट हाफ में सरकटे की के बाद बिक्की एंड कंपनी का कॉमेडी आपको दिखता है, लेकिन सेकंड हाफ में अमर कौशिक थोड़ा उलझ जाते हैं, जिस तरह से सिरकटे से निपटा जाता है और जिस तरह चीजों को दिखाया है, वहां मोमेंट थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है। और मूवी को शुरू में देखकर भाग मत जाना, क्योंकि असली मजा तो लास्ट में है, क्योंकि समय समय पर आपको कुछ नया नया कैमियो भी मिलता है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। अगर एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव यानी बिक्की एंड कंपनी का एक्टिंग कमाल का है, उनका टाइमिंग कमाल का है। उन्होंने बिक्की के कैरेक्टर को ऐसे प्ले किया है जो बाकी किसी के बस की बात नहीं है बॉस। और इधर अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति दोनों ने अच्छा काम किया है। हाँ, वैसे हंसाने के चक्कर में मामला थोड़ा उलझ जाता है। और श्रद्धा कपूर के बारे में क्या कहना, उनका क्या कमाल का कैरेक्टर है, जिस तरह उन्हें स्क्रीन पर दिखाया है वो एकदम प्योरली दिखाया है, कोई ज्यादा लटपट नहीं। इधर पंकज त्रिपाठी के कमाल के डायलॉग्स आपको पूरी मूवी देखने पर मजबूर कर सकता है, एक पर एक सुपरहिट डायलॉग्स किया है इन्होंने। देखो बॉस, मूवी की अगर बात करें तो इसके बारे में आपको बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मूवी है कमाल का। और इसमें जो कैरेक्टर है उन्हें तो आपने देखा भी है पिछली मूवी में, तो इनके बारे में बोलने का कोई फायदा है ही नहीं। कोई कोई सीन है जो आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, मगर हो सकता है कि आपका ध्यान उस पर जाए ही ना। बाकी आपको कुछ मालूम पड़े कि मूवी में कुछ कमी हो तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।